गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ सब्जेक्ट साइंस, लेसन नंबर 13, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 166, 13.7, नॉइस एंड म्यूजिक. वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस. इज द साउंड ऑलवेज प्लेजिंग? डज अ साउंड समथिंग कॉज डिसकम्फर्ट डू यू? Some sounds are pleasant to the ear, whereas some are not. हमें sound बहुत पसंद है ना. कोई sound ऐसे होते हैं जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है ना, और सुनने में भी बहुत हमें अच्छा लगता है. Suppose construction work is going on the your neighborhood, are the sounds coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sound production by the horns of buses and trucks? Such unpleasant sound are called noise. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound product be called? जैसे कि हमें कोई हमारे बाजू में कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है या फिर कोई यूज भी है तो हमें उसका साउंड पसंद है. जैसे कि बस है, ट्रक है, तो हमें उसका साउंड वो पसंद होता है. वन देयर हैंड यू एंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल साउंड इज वन विच द प्लेजिंग टू द ईयर. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड. द स्टेरिंग ऑफ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड. बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, वुड इट रेम मेलोडीज? जैसे कि हमें बहुत पसंद होता है ना, हारमोनियम का साउंड होता है या फिर सितार का साउंड होता है ना, वो क्या होता है, म्यूजिक होता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कोई काम चल रहा है और कुछ भी है या फिर ऐसे है तो वो क्या होता है, नॉइस, है ना. जैसे कि वॉट इज नॉइस, तो द लाउड साउंड दैट प्रोड्यूस अनप्लेजेंट सिग्नल इज कॉल्ड नॉइस. एंड वॉट इज म्यूजिकल साउंड, द म्यूजिकल द साउंड विच प्रोड्यूस प्लेजेंट सेशन इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड. ओके, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट 13.8, नॉइस पॉल्यूशन. You already know about air pollution, pleasant of unwanted gases and particles in air is called air pollution. हमें पता है ना air pollution के बारे में. Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Hey, what is noise pollution? The presence of excess or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Can you list them some source of noise pollution? Major cause of noise pollution are sound of vehicles, explosion, inclining, buzzing and crackers, machine, loudspeakers, etc. ये सभी है ना noise pollution, है ना, इसमें ये सभी आते हैं ना. What source in the home may lead to noise? Television and transistor radio is high volumes. Some kitchen appliances, desert coolers and air conditioner all contribution to noise pollution. Next hai, what are the harms of noise pollution? Do you know that presence of excessive noise in the surroundings may cause many health related problems, lack of sleep? आपको पता है जो what are the harms of noise pollution? जैसे हमें noise pollution बहुत होता है तो उसके बारे में हमें क्या होता है, high pressures, high blood pressure, excesses and many more healthy disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. Next hai, measure to limit
नॉइस पॉल्यूशन. टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइस. हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजिन्स, ट्रांसपोर्ट्स, व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल्स, मशीन्स एंड होम अप्लायंस. हमें है ना लिमिट नॉइस पॉल्यूशन के बारे में पता है ना, जो ये सभी आते हैं, जैसे कि हाउ कैन द नॉइस पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंशियल एरिया. हमें उसके बारे में रेसिडेंशियल एरिया में जो रहते हैं वहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन कम होता है ना. द नॉइस नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया. नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज. यूज बी एंटो मोबाइल साउन शुड बी मिनिमाइज. टी वी एंड म्यूजिक सिस्टम साउंड बी रन एट लो वॉल्यूम्स. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स ऑफ राउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑफ द साउंड रीचिंग द एंड दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं या कुछ भी और है, तो कोई भी हम रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे है ना नॉइस पॉल्यूशन क्या करना चाहिए हमें, बहुत लिमिट में, जैसे कि हॉर्न बजाते हैं या कुछ भी और है, म्यूजिक सिस्टम है, टीवी है, कुछ भी हम चालू रखते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें लिमिटेशन में करना चाहिए. ओके, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. फॉर लेसन नंबर 13 साउंड्स, इसमें हमें अलग अलग साउंड्स के बारे में सीखा है ना. क्या सीखा हमने इसके बारे में, हमने डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के बारे में सीखा है. ओके ओके, नाउ दिस लेसन एक्चुअली लेसन इज ओवर. आपको क्या करना है, वर्कबुक में लेसन नंबर 13 है वो पूरा कंप्लीट करना है, यानी कि आपको वर्कबुक में पूरा लिखना है और उसे कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.